हितेश्री, मैं आपसे जल्दी जल्दी ये छोटा डायरेक्शन ले लेना चाह रही हूँ सबसे एक बार। आपने कितनी जगहों पर ऐसा देखा कि लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, कितना एक्सपीरियंस किया आपने? मुझे लगता है हमने ब्लाइंड स्पॉट्स की बात की, जो डार्क स्पॉट्स है उनकी बात की, परसेप्शंस बने हुए थे। हमें लगा था कि पीसीआर मिलेगा, बूथ मिलेगा। मुझे लगता है हम सबको, आपको, मल्लिका को, नवजोत को, शशि को, सबको, ऐश्वर्या को, इनफैक्ट बूथ बंद मिले, हमें मदद चाहिए तो हम जाए कहाँ? सिर्फ नंबर लिखा रहता है वहां पे कि आपको मदद चाहिए तो इन नंबरों पर कॉल कीजिए, लेकिन जिनसे मदद चाहिए वो लोग कहाँ पर? ठीक नितिन, फरीदाबाद में कल रात मैं करीब 4-5 घंटे रहा सूरज कुंड इलाका, जहाँ पे बहुत अच्छे 5-स्टार होटल्स हैं, स्कूल्स हैं। मुझे एक पुलिस की वैन नजर आई। मिलन, जल्दी 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 जल्दी। मुझे तो स्ट्रीट लाइट्स जो प्रॉमिस करती है सरकारें या पुलिस कर्मी भी, कोई स्ट्रीट लाइट गांव में नहीं है। 1200 से ज्यादा डार्क स्पॉट 2016 में थे, 2016 से अब तक क्या बदला है आपको दिख रहा है मलिक? और मेरा रिएक्शन ये रहेगा कि अगर प्रमुख हिस्सों में अगर हम एनसीआर की बात करें, लाइटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर भी मैं कहूंगी कि मुझे दुरुस्त दिखा, लेकिन अगर आप इंटीरियर्स में जाएंगे तो वहां पर बुरा हाल है। ठीक है, अभी आप सबसे भी पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक और रिपोर्ट है वो जल्दी से दिखा देते हैं। गाजियाबाद पश्चिमी यूपी का एक अहम शहर, एनसीआर का बड़ा ठिकाना, हजारों लोग यहां पर रोजाना गाजियाबाद से दिल्ली और उसके दूसरे इलाकों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। इनमें खासी तादाद में लड़कियां और महिलाएं होती हैं। रात में बेटियों के लिए कितना सुरक्षित है गाजियाबाद, देखिए नवजोत की ये रिपोर्ट जो मेरे साथ यहां बैठी है, उनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। इस वक्त 12 बजे का वक्त है और मैं NH24 के ठीक बगल वाली सर्विस लेन में हूँ। NH24 के ठीक दूसरी साइड नोएडा सेक्टर 62 पड़ता है, जहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। और लास्ट मेट्रो ट्रेन जब आती है तो नॉर्मली लोग, या फिर कहें कि जो रात में ऑफिसर्स से आते हैं, वो एक यही वो सर्विस लेन है जहाँ से लोग आते हैं। और ये कितनी सेफ है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि रात के 12 बज चुके हैं और आप मेरे पीछे देखिए, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर हैं ज़रूर, लेकिन अगर मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक को बोलूँ कि ज़रा एक बार हमारी कैमरा की लाइट ऑफ कीजिए, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इस जगह से गुजर रहे हैं, एक बार लाइट्स ऑफ कीजिए, अगर आप इस एरिया से गुजर रहे हैं हाईवे के ठीक बगल में, क्योंकि इसके ठीक बगल में मॉल भी है और यहीं से इंदिरापुरम शुरू होता है, अगर आप यहां से गुजर रहे हैं तो ये एरिया आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वैशाली मेट्रो स्टेशन, लास्ट मेट्रो ऑलमोस्ट जा चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर कोई पीसीआर नजर नहीं आई। अलबत्ता जब मैं यहाँ खड़ी इंतजार कर रही थी तो लेफ्ट साइड पे अगर हम गाड़ियाँ दिखा पाए, हॉर्न बहुत सारे बजे वहाँ पर, एक दो बार इशारे भी हुए हैं। पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो साहब यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। और मेरे ठीक बगल में तो एक जनाब ने इस पूरी रोड को, मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे को, सार्वजनिक शौचालय बना लिया बिना ये सोचे समझे कि ठीक बगल में मैं खड़ी हूँ। 1:15 का वक्त हो चुका है, हम लोग मोहन नगर मेट्रो स्टेशन पर आ चुके हैं। देखिए, ये वो इलाका है जो गाजियाबाद में पड़ता है, लेकिन दिल्ली और गाजियाबाद को ये मेट्रो लाइन जोड़ती है। हम और आप सभी जानते हैं कि चाहे वो एनसीआर का इलाका जिसमें मोहन नगर भी आता है, गाजियाबाद का भी इलाका आता है, इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ से लोग नौकरी के लिए दिल्ली और फिर आगे गुड़गांव जाते हैं। तो हम लोग 2:15 का वक्त हुआ है, हम लोग इस वक्त गाजियाबाद बस अड्डे पर मौजूद हैं। यहाँ पर हालांकि क्राउड नहीं क्योंकि रात वाली बसेस अभी आई नहीं, लेकिन यहाँ पर कम से कम हमने पुलिस ऑफिसर्स देखे हैं और पीछे अभी अभी पीसीआर वैन यहाँ से गई है। यहाँ पर आपको लगातार गश्त करते तमाम ऑफिसर्स दिख जाएंगे। सर्दी ज्यादा है बिल्कुल। तो इस वक्त कितने लोग आप लोग होते हैं जो आसपास यहाँ पर नाइट शिफ्ट में रहते हैं? ये अलग अलग है, 1 घंटा का लोकेशन। तो बस अड्डे में रात में भी बसेस वगैरह आती हैं या नहीं? नहीं, रात में। रात में नहीं आती है। तो आप लोग की ड्यूटी इस वक्त यहीं पर है? 1 घंटे के पॉइंट है, फिर पॉइंट लग रहे थे, हम जाएंगे दूसरे इसी एरिया में। ना तो हमने वैशाली मेट्रो स्टेशन और आसपास कहीं कोई पीसीआर वैन और पुलिस देखी, ना ही हमने मोहन नगर एरिया में कोई पीसीआर पुलिस वैन देखी, लेकिन हाँ यहाँ पर अच्छा खासा हम कह सकते हैं कि पीसीआर वैन भी है, पुलिस का जमावड़ा भी यहाँ पर है गाजियाबाद बस अड्डे के। 2:15 का वक्त हुआ है, 2:45 का वक्त हो चुका है जहां पर हम लोग मौजूद हैं। ये है कार्यालय पुलिस आयुक्त गाजियाबाद। देखिए, हम लोग ये राजनगर एक्सटेंशन वाले एरिया में अब से कुछ ही देर बाद एंटर कर जाएंगे, लेकिन अगर हम उस भी एरिया की बात करें या फिर इस पूरे एरिया की बात करें, फिर से एक बार मैं चाहूंगी जरा लाइट्स ऑफ कीजिए और दिखाइए, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आएगी। रात के 3 बज चुके हैं, कवि नगर और राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के बीच के एग्जैक्ट रोड पर मैं खड़ी हूँ, लेकिन अभी भी कुछ ही क्षण पहले हाई वॉल्यूम के साथ मुझे यहाँ पर एक गाड़ी जाते हुए नजर आई। 3 बजे का वक्त है,
जहां तक पीसीआर या फिर पेट्रोलिंग की बात है तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, एकाध पीसीआर वैन और पेट्रोलिंग बाइक हमको जरूर नजर आई है। लोग देख रहे हैं कि आप लोग कितना ड्यूटी पे हैं। ड्यूटी तो है ही मैडम, क्या बहुत ज्यादा है। आप कहां से हो? नोएडा। नोएडा से हो? अच्छा। आज तक से हमने देखा आपकी काफी पीसीआर वैन इस एरिया में तो घूम रही है। अच्छा अच्छा, वो ड्यूटी तो है। तो आप लोग यहीं पर रहती है आपकी परमानेंट? ये पॉइंट बने होते हैं। अच्छा, अलग अलग पॉइंट्स है। तो रात में जब आप लोग यहाँ आएंगे, राजनगर एक्सटेंशन जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। मैं एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं, जब हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर से एंटर हुए थे, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि स्ट्रीट लाइट्स की काफी कमी है, लेकिन एग्जैक्टली इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनगर एक्सटेंशन, जो एरिया की मैं बात कर रही थी कि बहुत पॉश एरिया, और यहाँ पर आपको अपर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा नजर आएंगे। महिला कांस्टेबल यहाँ पर पीसीआर वैन में मुझे नजर आई है। आपको थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि सिक्योरिटी लैब्स आपको इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा में मिलेगा, लेकिन कम से कम इस एरिया में है। मैडम, रात में ड्यूटी रहती है आपकी? आप लोग दो लोग रहते हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। सर्दी वर्दी का कैसे करते हैं इंतजाम? नौकरी है मैडम, क्या करें, नौकरी तो नौकरी है। हाँ, करनी ही है। लेकिन मैं अभी वही मैं देख रही थी, देखिए रात में इस वक्त भी लोग कितने ज्यादा एक्टिव हैं। 3 बजे का वक्त है, फिर भी लोग एक्टिव हैं, आराम से फुल म्यूजिक लगा के यहाँ पर लोग निकलते हैं। जी जी जी, तो चलिए, आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो 3 बजे का वक्त है इस वक्त, पीसीआर 5 लोग इसमें रहते हैं, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी भी रहती हैं जिम्मेदारी के साथ। यहाँ पर एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता के साथ इस ड्यूटी को निभाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट एक इशू हो सकता है, अगेन सिक्योरिटी का इशू अलग अलग एरियाज में हो सकता है, लेकिन 2 जगह जिस को हम कह सकते हैं, एक तो हमने बस अड्डा के सामने आपको दिखाया कि किस तरीके से पुलिस बल मुस्तैद था, और दूसरा यहाँ पर ये देखिए, दोनों महिलाएं आ चुकी हैं। हाँ जी, सॉरी, ये जो चौराया हिंट, हिंट चौराया पे हम लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पर पुलिस मुस्तैदी हमको नजर आई है। 15 से 20 मिनट हो गए हमको यहाँ खड़े, लेकिन यहाँ से अंदर से अभी तक कोई मुझे पुलिस ऑफिसर नजर नहीं आया। इस एरिया से कोई पीसीआर वैन नहीं गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग पेट्रोलिंग नहीं कर रहे, हो सकता है कि वो लोग पेट्रोलिंग के लिए गए हों, लेकिन कम से कम 20 मिनट हो गए हैं यहाँ से मुझे कहीं से भी कोई पुलिस ऑफिसर नजर नहीं आ रहा है। तो आपके यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 2 तो हम हैं और 1 सर और है, 1 मैडम है। सर कहाँ गए? बाहर गए चाय। और मैडम? महिला। 4 लोगों की तैनाती, यानी कुल मिलाकर जो हमें पता चला है कि 4 लोगों की तैनाती यहाँ पर रहती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर रहती है। हालांकि महिला कांस्टेबल हमें दिखी नहीं, उन्होंने कहा कि हम बुलाते हैं, एक पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि वो फिलहाल चाय पीने गए हैं। हालांकि मुझे इस वक्त चाय की दुकान कहीं आसपास नजर नहीं आ रही, लेकिन 2 लोग जरूर अंदर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। नवजोत, इस पूरी रिपोर्ट में आपके भी जो अभी लास्ट में चल रहा था कि पुलिस वाले चाय पीने गए, और आप भी कह रही हैं दूर दूर तक चाय के लिए कोई जगह ही नहीं है, आप कहाँ पीने जाओगे? 3 बजे अर्पिता, इतना कोहरा था, 20 मिनट तो मैं कम से कम उस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रही हूँ। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई अंदर से आएगा, लेकिन जब कोई नहीं आया तो हम जाने लगे। मुझे लगा कि एक बार देखे तो अंदर हो क्या रहा है। तो अंदर जो जूनियर पुलिस ऑफिसर थे, बस वही 2 लोग थे। उन्होंने कहा कि एक फीमेल रहती है ड्यूटी पर और एक मेल भी रहते हैं। मुझे उस पूरे थाने में ना फीमेल नजर आई और ना मेल। दूसरी बात, जिस बात का जिक्र मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहूंगी, देखिए लास्ट मेट्रो जो आती है टुवर्ड्स गाजियाबाद, वो 12:22 के करीब आती है, और वो स्पॉट मेरा ये था कि मैं एक्चुअली वैशाली में जाके उस मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ी हूँ, ताकि हम ये दिखा सके वैशाली, इंदिरापुरम, गाजियाबाद और इसके ठीक बगल वाले एरिया के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो दिल्ली टू गाजियाबाद कम्यूट करते हैं या फिर गुड़गांव से करते हैं। अर्पिता, वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं वहां खड़ी हूँ अकेली, बिल्कुल वैसा जैसा आपके साथ हुआ। गाड़ियां आती हैं, हॉर्न बजते हैं, एक इंसान ऊपर से आता है, कुछ अजीब सी हरकत करता है वहां पर। इस तरह की हरकतें वहां पर हो रही थी, लेकिन वहां पीसीआर नहीं थी। वो वहां पर होनी चाहिए पुलिस डिप्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि लास्ट मेट्रो में लोग आते हैं, इनफैक्ट महिलाएं भी होती हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम होनी चाहिए। और वहां मैं 40 मिनट तक खड़ी रही, लेकिन मुझे वहां कोई नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं पुलिस की तारीफ उस इलाके में करूंगी, राजनगर में, जो एक पॉश एरिया है, वहां पर प्रॉपर पुलिस की एक टीम थी जिसमें 2 महिला कांस्टेबल भी थी, वो अपनी ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से तैनात थे। ठीक है।